हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेलजार की समरी। बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था ये। एंड बेलजार एक नॉवेल है जो कि अमेरिकन राइटर और पोएट सिल्विया प्लाथ द्वारा लिखा गया है, और ये पब्लिश हुआ था ओरिजिनली 1963 में। और ये पब्लिश हुआ था, लेकिन इसमें स्यूडोनेम सिल्विया प्लाथ ने एक स्यूडोनेम यूज़ किया था जिसका नाम था विक्टोरिया ल्यूकस के नाम से। इन्होंने स्टोरी पब्लिश करी थी, अपना नाम से पब्लिश नहीं की थी। तो स्यूडोनेम मतलब जो उपनाम, एक फिक्शियस नेम जो ऑथर यूज़ करता है। तो उन्होंने विक्टोरिया ल्यूकस के नाम से ये पब्लिश की थी 1963 में, और बाद में इनके अपने नाम से सिल्विया प्लाथ के नाम से पब्लिश हुई 1967 में। सो जो ये नॉवल है ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मतलब सिल्विया पाथ की ज़िंदगी से ये निर्धारित है। ज़िंदगी जितनी भी सिल्विया पाथ की असल ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई है, बाकी जो स्टोरी है आपको ये नॉवल में पूरी मिलेगी, पूरी कहानी मिलेगी। बस नॉवल में कहानी में जो कैरेक्टर्स का नाम चेंज कर दिया है और जगहों का नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो नॉवल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है क्योंकि नेम्स और प्लेसेस लोगों के और जगहों के चेंज कर दिए गए हैं। सो अब सिल्विया प्लाथ की जो सॉरी सिल्विया प्लाथ की जो ज़िंदगी थी रियल में, वो बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। वो अपनी रियल लाइफ में इनके साथ ऐसा हुआ था, और उन्होंने अपने आप को बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की। कभी गोलियां खा ली, स्लीपिंग पिल्स, कभी उन्होंने अपने आप को लटक के फांसी के फंदे में मतलब फांसी लगाने की कोशिश की। कभी उन्होंने सी में जो होता है डूबने की कोशिश की। हमेशा ऐसी चीज़ें करती रही वो। तो ये सब उनका असल ज़िंदगी में हुआ था। उन्हें इलेक्ट्रिक जो शॉक थेरेपी होती है उसके लिए भी जाना पड़ा। तो रियल ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हुई हैं वो हमें स्टोरी नॉवल में हमें देखने के लिए मिलती हैं। बस उनकी जगहों का नाम चेंज कर दिया गया है, प्लेसेस का नाम चेंज कर दिया गया है। सो जब ये नॉवल हमारी छप के आई थी, ठीक है, उसके एक महीने बाद ही सिल्विया प्लाथ ने सुसाइड कर लिया था, एंड उनकी डेथ हो गई थी। सुसाइड ऑफ कोर्स अटेम्प्ट कर लिया था। तो इस नॉवेल में हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से इंसान की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। गर्ल की, 19 ईयर ओल्ड गर्ल की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी, और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हुई ये हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ मैं कैरेक्टर्स आपको एक हर एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दूँ, ताकि आपको स्टोरी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो आपको मेनली इसमें 6 कैरेक्टर्स याद रखने होंगे, ठीक है। ईस्टर ग्रीनवुड, जिसके बारे में ये कहानी है, एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, टैलेंटेड है, और बहुत ज़्यादा लकी भी है। क्योंकि स्टोरी में हमारी नॉवेल में ये बहुत बार इसने कोशिश की सुसाइड करने की, लेकिन ये बहुत बार बच गई। तो ये बहुत ज़्यादा लकी है, अट्रैक्टिव है, टैलेंटेड है, कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, 19 ईयर ओल्ड है, और ये बॉस्टन में रहती है। नंबर सेकंड कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो डोरीन, जो कि ईस्थर ग्रीनवुड की फ्रेंड है, जो बहुत ज़्यादा विटी है, बहुत चालाक है ये, और बहुत ब्लॉन्ड और ब्यूटीफुल तो है, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है, बहुत अजीब तरीके के कपड़े पहनती है और स्मोक भी करती है। तो थोड़ी विटी है, थोड़ी चालाक है, और मौका परस्त आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी फ्रेंड होती है, ठीक है, न्यूयॉर्क में फ्रेंड बनी होती है। नंबर थ्री बेट्सी, तो बेट्सी भी ईस्थर ग्रीनवुड की फ्रेंड होती है, और ये बहुत स्वीट होती है। डोरीन की एग्जैक्टली अपोजिट होती है, स्वीट होती है, बहुत ज़्यादा प्रीति होती है, बहुत सुंदर होती है। तो इस तरह बोलती है कि मैं हमेशा फील करती हूँ कि मैं बेट्सी जैसी ज़्यादा हूँ, डोरीन जैसी कभी नहीं हूँ, मैं बेट्सी जैसी हूँ। तो जो ईस्टर को लगता है कि मैं बेस्टी की तरह हूँ, ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक मेरी बेस्टी की तरह है, बहुत स्वीट, प्रीति, बहुत नाइस, बहुत सुंदर गर्ल होती है बेट्सी। तो नंबर फोर्थ कैरेक्टर है हमारा बर्डी विलर्ड, जो कि ही इज़ अ बॉयफ्रेंड ऑफ ईस्टर ग्रीनवुड। ये एथलेटिक है, इंटेलिजेंट है, गुड लुकिंग मैन है, और ये मेडिकल स्कूल में अब पढ़ता है, ठीक है, मेडिकल स्कूल का स्टूडेंट है ये। तो ये हमारी बात हुई इसके बॉयफ्रेंड की, जो कि और नोवेल में जो ईस्थर ग्रीनवुड है अपने बॉयफ्रेंड बडी विलर्ड को हिपोक्रेट भी बोलती हैं, ठीक है, जो हिपोक्रेट भी बोलती हैं मतलब बहुत ज़्यादा पाखंडी ढोंगी, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा अलग जो दूसरा जो कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्टर नोलन का। तो डॉक्टर नोलन एक ईस्थर की साइकेट्रिस्ट है, जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में एक प्राइवेट मेंटल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हैं, और ईस्थर उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। और इन्हीं की देखरेख में जो ईस्थर जिसका दिमागी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, वो बहुत बेहतर हो जाती है, और वो ठीक हो जाती है, ठीक होने लगती है, ठीक है। और इस तरह कभी कभी कहती है कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, और बहुत ज़्यादा एक अच्छी बॉन्डिंग दिखाई गई है डॉक्टर नोलिन के साथ ईस्थर ग्रीनवुड की।
कैरेक्टर नंबर 6 जोन। जोन एक गर्ल है जो कि ईस्टर से स्कूल में, ईस्टर के स्कूल में ही पढ़ती थी, लेकिन ईस्टर से एक 1 ईयर अहेड थी, 1 साल सीनियर थी ईस्टर के कॉलेज में। और ईस्टर की बहुत लार्ज हॉसी वूमेन है, बहुत आप कह सकते हैं बहुत मतलब टॉल वगैरह है ये। और ये इसने बडी विलियर्ड को भी डेट किया है जो कि ईस्टर का बॉयफ्रेंड है। तो जोन डेट कर चुकी है बडी विलियर्ड को भी, और ठीक है तो एक फ्रेंड्स टाइप बन जाती है जोन ईस्टर ग्रीनवुड की। तो अब हमारी जो स्टोरी है, नॉवेल है, शुरू होती है ईस्टर ग्रीनवुड से। तो ईस्टर ग्रीनवुड मैंने आपको बता दिया 19 ईयर ओल्ड गर्ल है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है और जो पोइट बनना चाहती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पोइट बनना चाहती है और ये अपनी माँ से बोलती है कि मैं, इसका हमेशा बचपन से ये ड्रीम होता है कि वो पोइट बने। तो उसको एक मैगज़ीन होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी 1 साल इसका जो कॉलेज का होता है पूरा फिनिश हो गया होता है, 1 ईयर जो एकेडमिक ईयर होता है वो फिनिश हो गया होता है। तो उसे जो एक लेडीज़ डे मैगज़ीन में इसको एज अ इंटर्न काम करने का मौका मिलता है कि जिसमें पेड इंटर्न होती है, आपको पैसे मिलते हैं और आपको सीखने के लिए भी मिलता है और आप काम भी करते हैं और आपको प्लस पैसे भी मिलते हैं। तो क्योंकि ये बॉस्टन में रहती है तो इसे जो ये मैगज़ीन में काम करने के लिए मौका मिलता है, लेडीज़ डे मैगज़ीन, इसे न्यूयॉर्क में मिलता है मौका। तो ये न्यूयॉर्क जाती है ईस्टर ग्रीनवुड, क्योंकि इसका सपना ये था कि मैं पोइट बनूँ, तो सोचती है कि चलो इंटर्नशिप है तो मैं पूरी कर लेती हूँ। तो वहाँ पे इसकी बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाती हैं, वहाँ पे ही इसकी फ्रेंड बनती है डोरीन और बेट्सी जो कि न्यूयॉर्क में बनती हैं। तो न्यूयॉर्क में ये लोग एक हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ पे 11 और लड़कियाँ होती हैं जो इसी तरीके की इंटर्नशिप जीती होती हैं, इनको मौका मिला होता है यहाँ पे एक मैगज़ीन में काम करने के लिए। तो ये एक होटल में रुकती हैं जो न्यूयॉर्क में एक होटल होता है। अब क्योंकि जो ये बहुत ज़्यादा न्यूयॉर्क सिटी होती है तो ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग सिटी होती है, अट्रैक्टिव होती है, ग्लैम्स, लाइटनिंग, एवरीथिंग, जैसे आप मुंबई का वो सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस सिटी होती है। तो क्योंकि ये थोड़ी बॉस्टन थोड़े वैसे इलाके से होती हैं, तो ये लोग और जो इनकी होती हैं ईस्टर ग्रीनवुड की और जो फ्रेंड्स होती हैं डोरीन, बेट्सी, तो बहुत अट्रैक्टेड होती है, बहुत खुश होती है कि हम न्यूयॉर्क आए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, सिटी बहुत अट्रैक्ट करती है इनको। लेकिन ईस्टर के साथ कभी ऐसा नहीं होता, ईस्टर ग्रीनवुड कभी अट्रैक्ट नहीं होती सिटी के चार्म से, इतना सब कुछ, इतनी लाइटनिंग वगैरह और इतना हाइपर जो सिटी होती है, एडवांस सिटी होती है, तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो इन्हीं की जो मैगज़ीन होती है, एक बार इनको एक फैंसी मतलब एक पार्टी होती है जहाँ पे ये सारी की सारी गर्ल्स को बुलाया होता है खाने के लिए, बहुत अच्छा फूड होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब उनका ट्रिप, खाना वाना सब फ्री होता है। तो ये लोग जाते हैं इस बुके में, मतलब उस पार्टी में जाते हैं ईस्टर और डोरीन, डोरीन नहीं जाती, ईस्टर और बेट्सी और बाकी सारी गर्ल्स जो और अदर 11 गर्ल्स होती हैं वो जाती हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ खाने में कुछ पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाना थोड़ा ख़राब होता है, तो इसकी वजह से इन लोगों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये लोग उस होटल से वापस अपने, मतलब जहाँ भी पार्टी होती है वहाँ से, उस वेन्यू से होटल में आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा उल्टियाँ वगैरह होती है इसको, ईस्टर ग्रीनवुड को और बाकी फ्रेंड्स को भी। तो जो अब जब ईस्टर ग्रीनवुड अपने होटल में वापस आ जाती है, तो इसमें थोड़े से इसका लिटिल बैकग्राउंड शुरू हो जाता है कि क्या हुआ था रियल में इसके साथ, ईस्टर के साथ। तो ईस्टर का एक्चुअली में एक बॉयफ्रेंड होता है बडी विलर्ड। तो बडी विलर्ड अभी टीबी हो गया उसे, ट्यूबरक्लोसिस, तो वो एक सेनाटोरियम में है और वहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। ठीक है, तो बडी विलर्ड से जब कभी वो ईस्टर ग्रीनवुड मिलने जाती है, तो बडी विलर्ड उसे बताता है कि एक्चुअली जब बडी विलर्ड ईस्टर ग्रीनवुड को डेट कर रहा था, तब बडी विलर्ड हैड अ लाइक रिलेशन विद ए गर्ल, उसने चीट किया है। बडी विलर्ड बताता है कि उसने ईस्टर को, मतलब चीट तो नहीं किया बट बडी विलर्ड हैड अ रिलेशन विद अ वेट्रेस। ठीक है, वेट्रेस के साथ रिलेशन पे, लाइक ही स्लेप्ड विद अ वेट्रेस। ठीक है, तो ये सुन के ईस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि बडी विलर्ड ने उसको चीट किया है। ठीक है, वो एक हिपोक्रेट है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बडी विलर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हें सच बताया। तो इसके मतलब यही चीज़ें, तो ईस्टर ग्रीनवुड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इस बात, और वो हमेशा हमेशा ये सोचती रहती है। तो जब वो न्यूयॉर्क में होती है तो उसे ये चीज़ें बातें ध्यान आती हैं। तो क्योंकि वो उसका तो मेंटली थोड़ा ना दिमाग उसका थोड़ा ठीक नहीं रहता है न्यूयॉर्क में, अभी उसकी थोड़ी हालत ख़राब होने लगती है, और वो हमेशा सोचती है कि वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ करे जैसे बडी विलर्ड ने करी है। ठीक है, क्योंकि बडी विलर्ड चाहता है कि जो ईस्टर ग्रीनवुड है वो उसकी वाइफ बने, वो शादी करे उसके साथ। लेकिन और बडी विलर्ड चाहता है कि जो ईस्टर ग्रीनवुड है वो अपने पोएट बनने का सपना छोड़ दे, जब एक बार शादी हो जाएगी तो वो पोएट वोएट बनने का सपना छोड़ देगी।
तो बडी विलर्ड हमेशा ही सर को चाहता है कि हम उससे शादी कर ले, और बडी विलर्ड ऐसा है कि मतलब वो चाहता है कि जो इस्टर हो हमेशा वर्जिन वर्जिन मतलब एकदम वर्जिन रहे और एकदम प्योर हो. लेकिन और ऑन दी अदर हैंड बडी है कैसा, बडी खुद खुद ही स्लेप्ट विद वेट्रेस. तो इस तरह के दिमाग में ये चलता रहता है कि वो किस तरीके से कितना हिपोक्रेट है वो, और उसने मुझे चीट किया और मैं बिल्कुल. तो वो चाहती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो वर्जिन है, तो एक एक तरीके की बंदिश है. वो चाहती है वो वर्जिन रहना नहीं चाहती, वो चाहती है शी वॉन्ट्स टू लूज हर वर्जिनिटी. इसलिए उसके दिमाग में ना यही चलता रहता है. जब वो न्यूयॉर्क में होती है वही बातें उसको घूमने लगती है उसके सर पर कि हाँ बडी विलर्ड ने उसको धोखा दिया है या वो वर्जिन नहीं है. तो वो भी चाहती है कि वो वर्जिनिटी भी लूज़ करे. वो सोचती है कि एक इक्वालिटी होनी चाहिए. बडी विलर्ड तो इतने आसानी से उसने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी, और वो उसे चाहता है कि वो हमेशा प्योर रहे और वर्जिन रहे. तो इस तरह ग्रीनवुड के मन में यही चलता रहता है बार बार, और वो हमेशा ना मौका ढूंढती रहती है अपनी वर्जिनिटी लूज करने का. एक बार उसे एक फिर जब वो पार्टी से आ जाती है वहाँ पे, जब उसका पेट मतलब तबीयत खराब होती है तो वो वापस होटल आती है. तो ऐसे एक दो दिन और बीतते हैं तो एक इंसान उसे मिलता है. तो उसके साथ वो सोचती है कि मैं इसके साथ लाइक आई वॉन्टेड टू बी इंटरमेट विद हिम. तो उसे वो थोड़ा सा सड्यूस करने की कोशिश करती है इस तरह. लेकिन होता है ऐसा कुछ नहीं होता है, और मतलब हो नहीं पाता है. ठीक है, वो वर्जिनिटी लूज करना चाहती है बट ऐसा हो नहीं पाता है. फिर इसी परसुएशन में कि मैं वर्जिनिटी कैसे कैसे लूज करूँ, वो एक ब्लाइंड डेट में जाती है एक इंसान के साथ जो बहुत अजीब होता है, जिसका नाम मार्को होता है. वो ब्लाइंड डेट पे जाती है और जो उसका रेप करने की कोशिश करता है, वो बहुत अजीब साइको इंसान होता है मार्को. तो वो उसका रेप करने के लिए कोशिश करता है, तो वो बहुत भागती हुई आती है और बहुत मुश्किल से आती है अपने रूम में. ठीक है, अपने होटल में आती है. तो अब वो नहीं चाहती कि वो न्यूयॉर्क में रहे, तो इसलिए वो अपने शहर बॉस्टन मतलब अपना गांव जो घर होता है उसका बॉस्टन में, वो वहाँ जाना चाहती है. तो वो अपनी फ्रेंड बेट्सी से ड्रेस लेती है, मतलब क्योंकि उसके ड्रेस वगैरह फट गए होते हैं, होते नहीं है. तो वो बेट्सी अपनी फ्रेंड से ड्रेसेस लेती है, स्कर्ट और ऊपर का टॉप लेती है, और अपने गाँव के लिए रवाना हो जाती है. ठीक है, बॉस्टन में वापस आती है. ठीक है, तो वो इसी में ख्यालों में होती है कि मैं, क्योंकि उसका इंटर्नशिप पूरा हो गया होता है. ठीक है, तो अब वो वापस हॉस्टल में आती है. तो जब उसे उसकी माँ बताती है कि उसने एक चीज़ के लिए अप्लाई किया था. ठीक है, एक राइटिंग वगैरह राइटिंग क्लास थी उसके लिए उसने अप्लाई किया था, लेकिन उसको सिलेक्शन नहीं हुआ है. तो उसका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है, और अब उसे वो सोचते हैं कि अभी जो गर्मियां हैं, गर्मियों में आती है ना अपने घर में बॉस्टन में, तो वो सोचते हैं कि अब मुझे ये पूरी गर्मी अपनी मम्मी के साथ ही बितानी पड़ेगी. तो वो सोचती है कि मैं लिखती हूँ कुछ, मैं एक नया पोइट्री का काम शुरू करूँगी, मैं कहानियाँ लिखूँगी. लेकिन होता क्या है, वो लिख नहीं पाती है, ना कुछ पढ़ पाती है, ना सो पाती है, और उसकी हालत अजीब सी ख़राब होती जाती है. वो सोचती रहती है उस चीज़ को, और उसका दिमाग और ज़्यादा बिगड़ता चले जाते हैं, उसकी हालत ख़राब होती चली जाती है. तो एक बार थोड़े दिन बीत जाते हैं ना, अब वो ना सोती है, ना वो लिख पा रही है, ना वो पढ़ पा रही है. अब उसने नहाना धोना भी छोड़ दिया. तो उसकी मम्मी बहुत परेशान हो जाती है और उसको लेके जाती है डॉक्टर के पास. अब जब उसे डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, ठीक है, थोड़ा उसके लिए, तो उसे बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास लेके जाती हैं. तो डॉक्टर जो होता है उसको शॉक ट्रीटमेंट थेरेपी लिख देता है, शॉक ट्रीटमेंट देता है. और वो डॉक्टर बहुत एक मेल डॉक्टर होता है, और वो बिल्कुल अच्छा तरीके से ट्रीट नहीं करता इस तरह को, और ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट शॉक ट्रीटमेंट ही देता है. वो उसको हेल्प नहीं करता है और चीज़ें नहीं करता, बस उसको शॉक ट्रीटमेंट देता है. इस तरीके से इस तरह और उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और वो हमेशा अपने आप को मारने की कोशिश करती है. वो अपना कलाई काटने की कोशिश करती है, अपने आप को हैंग करने की कोशिश करती है, और बीच पे जब फ्रेंड्स के साथ जाती है तो अपने आप को ड्रॉन करने की मतलब डुबाने की कोशिश करती है पानी में, समुद्र में. और अब एक बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो स्लीपिंग पिल्स ले लेती है, खा लेती है, और बेसमेंट जो घर के उसमें घर में जो उसके नीचे बेसमेंट होता है ना, वहां जाके छुप जाती है. अब बहुत दिनों बाद लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ चली गई. उसके बाद उसे ही मिलती है, तो बेहोशी की हालत में होती है. फिर ये जब इस तरह उठती है जागती है तो वो हॉस्पिटल में होती है. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होती है. इस तरह सोचती है कि मैं मर गई, लेकिन वो मरी नहीं होती है, वो जिंदा बच जाती है, बहुत ज़्यादा लकी होती है. अब उसकी हालत, क्योंकि वो हमेशा रोने लग जाती है कि मैं जो ये जो मेरा डॉक्टर है, एक सिटी हॉस्पिटल होता है, मतलब सरकारी हॉस्पिटल आप समझ सकते हैं. तो वो कहती है कि मैं इनसे बिल्कुल भी इलाज नहीं करवाऊँगी, और बहुत रोने लगती है. तो उसके बाद जो इस तरह की जो कॉलेज का जो वो उठा रहा था खर्चा, जो उठा रही थी, एक वुमेन होती है जो इस तरह के कॉलेज का खर्चा उठा रही होती है, बहुत अच्छी होती है. तो वो इस तरह को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सोचते हैं कि इस तरह का इलाज हम प्राइवेट हॉस्पिटल में करेंगे, साइकोलॉजिकल एक बढ़िया हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ पे ये लोग इस तरह को शिफ्ट कर देते हैं. तो वहाँ पे
एक डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल होता है और वहाँ का एटमोसफेयर बहुत प्यारा होता है और डॉक्टर नोलान होती है वहाँ पे, ठीक है, जो साइकेट्रिस्ट होती है वो बहुत प्यारा काम करती है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है ईस्थर ग्रीनवुड उन डॉक्टर नोलन पे। तो बहुत ज़्यादा इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और जो ईस्थर होती है इम्प्रूव करना शुरू कर देती है। उसको टॉक थेरेपी भी दी जाती है, इंसुलिन इंजेक्शंस भी दी जाती हैं और शॉक थेरेपी भी दी जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी दी जाती है लेकिन प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड होके। तो वहाँ पहले वाले जगह पे जहाँ वो सरकारी है जो सिटी हॉस्पिटल था वहाँ पे उसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह इम्प्रूव करती है क्योंकि उसे टॉक थेरेपी भी दी जाती है, इंसुलिन इंजेक्शन और इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी, तीनों चीज़ें बराबर से दी जाती हैं अच्छी तरीके से। तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। अब वहाँ पे वो एक उसकी फ्रेंड बन जाती है जोन। तो जोन उसकी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जो जोन होती है वो एक सीनियर होती है इसकी, ठीक है, स्कूल में कॉलेज में सीनियर होती है, एक 1 ईयर सीनियर होती है ईस्टर से और कभी जोन ने बडी विलर्ड को भी डेट किया होता है। तो जोन जोन वहाँ पर मिलती है और ये अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो अब अभी भी ये थोड़ा इम्प्रूव करी है लेकिन अभी भी इसके दिमाग में वही है कि शी वांट्स टू लूज वर्जिनिटी बिकॉज वो चाहती है कि जो इस जो ये कहानी है हमारी, मैं आपको बताना भूल गई, जो ईयर है ये 1953 है, जो जिस कहानी में जिस एरा में ये कहानी लिखी गई है वो 1953 है। तो उस एरा में आपको पता है कि वुमेन को कितना दबा के रखा जाता था। उसकी मम्मी भी ये चाहती कि वो शादी करे, उसके बाकी लोग भी चाहते हैं और उसका बॉयफ्रेंड बर्ली विलर भी चाहता है कि वो शादी करे लेकिन वो नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो कुछ बन जाए, कुछ पोएट बन जाए, कुछ कर ले, ठीक है, एम्बिशन को पूरा कर ले अपना। तो इसी जद्दोजहद में वो सोचती है कि मैं वर्जिनिटी लूज़ करूं और वो एक उसका जो प्रोफेसर, क्योंकि ना अब वो इम्प्रूव कर रही होती है तो हॉस्पिटल से उसे छोटी छोटी छुट्टियां मिल जाती हैं समय समय पे, जैसे कभी एक दिन की मिल गई, मतलब 2-3 घंटे की छुट्टी मिल गई। तो ऐसे ही एक छोटी सी छुट्टी मिली थी उसे, तो वो उसने शी लूजेज हर वर्जिनिटी विद अ मैथ प्रोफेसर, जो बहुत पढ़ाकू प्रोफेसर थे, मैथ प्रोफेसर जिनका नाम इरविन था, ठीक है। तो इसके इनके साथ इसने मतलब वर्जिनिटी अपनी लूज़ करी लेकिन उसके बाद जो लाइक दे आफ्टर लाइक इंटीमेसी शी स्टार्टेड टू ब्लीड लाइक प्रोफोसली, शी स्टार्टेड ब्लीडिंग वेरी मच लाइक हैवीली, सो उसको इमरजेंसी। तो फिर ये उसने अपने उसे बोला प्रोफेसर को इरविन को दैट शी जैसे जिसके साथ शी हैड एन इंटीमेसी, तो कि मुझे जोन के पास छोड़ दो। तो ये वो जो प्रोफेसर होता है इसको जोन के पास छोड़ देता है और जोन से ये कहती है कि मुझे इमरजेंसी रूम में ले जा लो। तब ये इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं इसको और फिर उसके बाद में मतलब इमरजेंसी रूम में, फिर उसके बाद ये इसको थोड़ा ठीक होने लगती है, फिर भी ये इसकी हालत बेहतर होने लगती है इस तरह की, ठीक है। तो इसे लगता है कि हाँ ये बहुत बड़ा मेरे से बोझ उतर गया कि नाउ शी लूज है वर्जिनिटी, अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत उसे अच्छा लगता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है पता नहीं, ठीक है। उसके बाद ये अब इम्प्रूव करने लगती है लेकिन उसको 1-2 दिनों के बाद पता चलता है कि जोन ने अपने आप को फांसी लगा ली और जो बगल में जंगल में, क्योंकि जोन मिल नहीं रही होती है तो बगल में पता चलता है उसे 1-2 दिन बाद कि जो जोन ने अपने आप को फांसी लगा ली, वही बात साइड में जंगल में उसकी लाश मिली है। तो उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा शौक होता है कि क्या हो गया ये। उसके बाद तो एक बार जो ईस्टर को मिलने उसका बॉयफ्रेंड आता है बडी विलर्ड उसको मिलने आता है, तो फिर वो दोनों बातें करते हैं एंड वो दोनों समझ जाते हैं कि नाउ अब उन्हें सेपरेटली करना पड़ेगा और वो समझ जाते हैं कि हाँ उनकी रिलेशनशिप अब ख़त्म हो गई है। तो अब ईस्टर अब मेंटल हॉस्पिटल छोड़ने के लिए तैयारी करती है क्योंकि उसे जो विंटर सेमेस्टर है वो शुरू करना है कॉलेज में। तो एक रूम होता है जहाँ पर उसको इंटरव्यू किया जाएगा ईस्टर को और वो लोग जाँचेंगे, देखेंगे कि ईस्टर फिट है ये हमारा जो इस मतलब हॉस्पिटल छोड़ने के लिए और नए कॉलेज में मतलब कॉलेज में जाने के लिए अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करने के लिए। तो हमारी जो बेलचार है तो उसे लगता है कि एंड में स्टोरी में लगता है कि अब उसे लगता है कि उसने वो उसे बेलजार से आज़ादी मिल गई है जब उसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी और सब थेरेपीज दी जाती हैं, डॉक्टर नोलान देती हैं, तो उसे बहुत अच्छा रिलीफ लगता है। उसे लगता है कि जैसे वो बेलजार से बाहर निकल के आ गई हो, जैसे बंदिशों से बाहर आज़ादी मिली उसे, तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है कि मैं अब सही हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ। लेकिन उसे ये भी पता होता है कि जो मैडनेस है उस पर दोबारा कभी भी अटैक कर सकती है। तो हमारा ये जो नॉवल है ये यहीं पर ख़त्म होता है कि नॉवल ईस्टर कैसे रूम में जा रही होती है जहाँ पे उसे इंटरव्यू किया जाएगा और तब देखा जाएगा कि वो कॉलेज जा सकती है, हॉस्पिटल से अब उसे छुट्टी मिल सकती है कि नहीं। तो नॉवल हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ अगर आपको ये नॉवल समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आपको आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे ताकि आप जिससे मैं और नॉवल्स बना और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पोएम
और नॉवेल्स या फिर प्रोज पे वीडियो बनाओ तो आप कमेंट में नीचे मुझे बताइए, और कैसी लगी आपको ये नॉवेल आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। टिल देन टेक केयर, बाय।